बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन। टुडे वी विल अगेन डू योर ग्रामर पोर्शन फ्रॉम योर जुलाई होम टास्क, एंड टुडे वी विल कवर योर लेटर्स पोर्शन। वी विल हैव टू डू योर थर्ड एंड फिफ्थ लेटर। योर थर्ड लेटर इज अबाउट राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड टेलिंग हिम हाउ यू स्पेंड योर समर वेकेशन। आपने अपने दोस्त को ख़त लिखना है जिसमें आपने उसको बताना है कि समर वेकेशन आपने कैसे स्पेंड की। और सेकंड जो आपका फिफ्थ लेटर है, आपने लिखना है और याद भी करना है, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड टेलिंग हिम अबाउट योर ईद मिलन पार्टी। आपने अपने फ्रेंड को लेटर लिखना है और उसको अपने ईद मिलन पार्टी के बारे में इन्फॉर्म करना है। सो लेट वी स्टार्ट अवर लेक्चर। इट्स पेज नंबर 193, योर थर्ड एंड योर फिफ्थ लेटर। They are written in your book, but I'm sharing a picture, and we will do from that picture because the pattern is not updated, so we have to follow updated pattern. It's your third letter in which you have to write to your friend, and you are telling her about your summer vacation. कि कैसी आपकी गर्मियों की छुट्टियां गुजरी हैं, आप अपनी दोस्त को बता रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा है, आपने इसी को अपनी कॉपी में लिखना है और इसी पैटर्न को फॉलो करना है। फर्स्ट यू हैव टू राइट एग्जामिनेशन हॉल। ई विल बी कैपिटल एंड एच फ्रॉम हॉल विल बी कैपिटल। एग्जामिनेशन का ई भी आप कैपिटल लिखेंगे, हॉल का एच भी कैपिटल लिखेंगे, देन कॉमा। नेक्स्ट लाइन में सिटी ए बी सी, सिटी का सी कैपिटल, देन कॉमा, देन कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी। देयर इज़ नो फुल स्टॉप, आपने कोई फुल स्टॉप नहीं डाला। और सारा आपने एक सीक्वेंस में लिखना है, जो आपकी मार्जिन लाइन है उसके रेड वाली, उसके साथ से आप जब स्टार्ट करेंगे तो आपने ये सारा एक सीक्वेंस में लिखना है, जिस तरह ये आपको पिक्चर में सीक्वेंस में नज़र आ रहा है। ऐसे नहीं करना कि एग्जामिनेशन हॉल लिख के सिटी ए बी सी मिड में लिख दें, नहीं, बिल्कुल स्टार्ट से वैसे ही शुरू करना है जैसे आपको नज़र आ रहा है। देन यू हैव टू स्किप अ लाइन, एक लाइन छोड़ेंगे, फिर आप डेट लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल आई एम राइटिंग 17th July, 2020। तो आपने इसी तरह जो डेट होगी आपने वो लिख देनी है, लाइक इट विल बी 23rd, 24th और 20th, तो टी एच डालना है। इफ़ इट इज़ 21st तो आप एस टी डालेंगे, 22nd तो एन डी डालेंगे, लेकिन आपने ये मस्ट डालना है, टी एच एस टी एन डी, ये मस्ट डालना है। फिर आपने जो भी आपका मंथ है उसका वो प्रॉपर आपका नाउन है, दैट इज़ वाई आप उसका फर्स्ट अल्फ़ाबेट कैपिटल लिखेंगे, कॉमा लिखेंगे, 2020 लिखेंगे, लेकिन आप फुल स्टॉप नहीं डालेंगे, अभी तक कोई फुल स्टॉप नहीं आया। फिर आप एक लाइन स्किप करेंगे, फिर नीचे आप उसके लिखेंगे डियर सारा, डी कैपिटल होगा, सारा नेम है तो एस कैपिटल है, अगर आपने कोई और नेम लिखना है तो वो उसका फर्स्ट अल्फ़ाबेट भी कैपिटल लिखेंगे, देन कॉमा। फिर आप नीचे लाइन में थोड़ी सी जो स्पेस दे के हाउ आर यू स्टार्ट करेंगे, जैसे सारा के नीचे से आपने कर दिया, या कॉमा के नीचे से भी कर सकते हैं, लेकिन बिल्कुल आप डियर के नीचे हाउ आर यू नहीं लिखेंगे, आप थोड़ी सी स्पेस देंगे। हाउ आर यू, आप कैसी हैं? माय समर वेकेशन हैज़ एंडेड, मेरी जो गर्मियों की छुट्टियां हैं वो ख़त्म हो चुकी हैं, फुल स्टॉप। आई थिंक यू वुड लाइक टू नो एवरीथिंग अबाउट माय वेकेशन। मेरा ख्याल है कि आप मेरी वेकेशन के बारे में सब कुछ जानना चाहेंगी। देयर आर मैनी सिटीज़ एंड प्लेसेस आई विजिटेड, लाइक रावलपिंडी, मरी, इस्लामाबाद, टेक्सला एंड लाहौर। बहुत सी ऐसी जगह हैं, बहुत से ऐसे शहर हैं जो मैंने विजिट किए जहाँ मैं गई, जैसा कि रावलपिंडी, मरी, इस्लामाबाद, टेक्सला एंड लाहौर। दीज ऑल आर द प्रॉपर नाउन्स, आपने इन सब के फर्स्ट अल्फ़ाबेट कैपिटल लिखना है और इनके बीच में कॉमा डालना है, फुल स्टॉप। माई वेकेशन स्टार्टेड इन जून, जून अगेन आपने जो है वो कैपिटल लिखना है, जे। तो मेरी जो वेकेशन थी वो जून में शुरू हुई। आई एंजॉयड माई वेकेशन अलॉट, मैंने अपनी छुट्टियाँ बहुत ज़्यादा मतलब इंजॉय की, मैंने बहुत खुशी से गुजारी। पे माई रिगार्ड्स टू योर पेरेंट्स, फिर आपने जो है उनके पेरेंट्स को रिगार्ड्स भेजना है, तो आपने इस तरह लिखना है कि जहाँ पे आपका पैराग्राफ ख़त्म होगा उससे नीचे आपने फिर ये लाइन लिखनी है, पे माई रिगार्ड्स टू योर पेरेंट्स।
देन यू हैव टू स्किप अ लाइन, फिर आपने लिखना है योर्स ट्रूली, वाई कैपिटल होगा, नो अपॉस्ट्रोफी, सिंपल योर्स होगा, ट्रूली का टी स्मॉल होगा, फिर कॉमा और सबसे लास्ट में एक्स वाई जी, दीज ऑल विल बी इन कैपिटल लेटर और देयर इज़ नो फुल स्टॉप, तो आपने फुल स्टॉप भी नहीं लगाना। नाउ इट्स योर फिफ्थ लेटर जिसमें आपने अपनी फ्रेंड को ईद मिलन पार्टी के अबाउट बताना है, अगेन वही पैटर्न है, एग्जामिनेशन हॉल, कॉमा सिटी, कॉमा ए बी सी, देन डेट, देन स्किप अ लाइन एंड डियर आमना, किसी भी फ्रेंड का नाम लिख सकते हैं, आई एम फाइन एंड आई होप यू आर ऑल्सो फाइन, मैं ठीक हूँ और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप भी ठीक होंगी, आई वॉन्ट टू टेल यू अबाउट द ईद मिलन पार्टी, मैं आपको अपनी ईद मिलन पार्टी के अबाउट बताना चाहती हूँ, विच वॉज हेल्ड इन अवर स्कूल लास्ट वीक, जो हमारे स्कूल में मुनक्किद हुई पिछले हफ्ते, वी डेकोरेटेड द क्लासरूम, हमने क्लासरूम्स डेकोरेट किए, वी वो कलरफुल ड्रेसेस, वेयर की सेकेंड फॉर्म है पहनना, इसका मतलब है कि हमने कलरफुल ड्रेसेस पहने हुए थे या पहने, वी एट पिज़्ज़ा, हमने पिज़्ज़ा खाया, केक एंड ड्रैंक सम कोल्ड ड्रिंक्स, और कुछ कोल्ड ड्रिंक्स भी पी, वी ऑल्सो प्लेड गेम्स, हमने कुछ गेम्स भी खेली, इट वॉज़ अ वंडरफुल डे, बहुत ही अच्छा दिन था, वी इंजॉयड सो मच, हमने बहुत मज़ा किया, पे माई रिगार्ड्स टू योर पेरेंट्स, फिर ये नीचे वाली लाइन में आपने लिखना है, अपनी फ्रेंड के पेरेंट्स को रिगार्ड्स भेजने हैं, उनको सलाम दुआ भेजनी है, देन यू हैव टू स्किप अ लाइन, फिर आपने लिखना है योर्स ट्रूली, तो फिर अगेन योर्स सिंपली लिखेंगे, ट्रूली का टी स्मॉल लिखेंगे, कॉमा एंड एट द एंड एक्स वाई जी, दे ऑल विल बी इन कैपिटल लेटर, काइंडली इसी पैटर्न को फॉलो कीजिएगा। नाउ वी हैव टू डू एनाग्राम्स, पेज नंबर 22, एनाग्राम्स, what is anagram, anagram is a word that is made by rearranging the letters of another word, koi ek word hai uske letters ko hi dobara se rearrange karke ek naya word banaya jata hai, that is called anagram, like cloud, aapke paas ek word hai cloud, cloud usse aap bana sakte hain could, aapne sirf kya kiya, shuffle kiya, aapne rearrange kiya uske alphabets ko, तो सी ओ यू एल डी आपने बना दिया कुड। सो लेट वी स्टार्ट इट, योर फर्स्ट वर्ड इज़ डैम, डैम, डैम से आपका जो आप शफल करें इसके अल्फ़ाबेट्स तो बनता है मैड, एम ए डी मैड, पागल जिसका मतलब है, नेक्स्ट इज़ डेल जिसका मतलब है वादी, आप इसको शफल करें तो बनता है लीड, एल ई ए डी, लीड, रहनुमाई करना यानी लीड करना, जैसे लीडर्स होते हैं, देन नेक्स्ट इज ईट खाना, इसको शफल करें तो बनता है टी, टी ई ए टी, चाय, फेयर जो आप किराया देते हैं गाड़ी में बैठ के तो उसको फेयर कहते हैं, इसी को आप रीअरेंज करते हैं तो एफ ई ए आर फियर, खौफ बन जाता है, नेक्स्ट इज हाउ कैसे, रीअरेंज होने के बाद हु कौन, नेक्स्ट इज होस्ट, यू विल रीअरेंज इट देन इट विल बी शॉट यानी निशाना, नेक्स्ट इज हेयर खरगोश, आफ्टर रीअरेंजिंग इट विल बी हेयर सुनना, एच ई ए आर, नेक्स्ट इज कीन यानी बहुत ज़्यादा, जैसे कीनली या कीन स्टडी यानी बहुत ज़्यादा किसी चीज़ का इश्तियाक होना और उसमें डूब कर किसी चीज़ को, जैसे पढ़ाई कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा मेडिटेशन लगा कर आप पढ़ रहे हैं, तो दैट इज़ द वर्ड वी विल यूज़ फॉर दिस इज़ कीन, तो आप जब इसको रीअरेंज करते हैं तो इट विल बी नी, के एन डबल ई नी, घुटना, मीन, मीन का मतलब है बहुत ज़्यादा मतलबी यानी सिर्फ सेल्फिश लाइक, जो सिर्फ अपने बारे में सोचता है, और इसको जब रीअरेंज करते हैं तो बनता है नेम यानी कि नाम, नेक्स्ट इज़ नियर नज़दीक, आफ्टर रीअरेंजिंग इट विल बिकम अन, अन मतलब कमाना, नेक्स्ट इज़ पूल तालाब, आफ्टर रीअरेंजिंग पोलो, पी ओ एल ओ पोलो जो गेम होती है, नेक्स्ट इज़ सेल यानी कोई चीज़ बेचना फरोख्त करना, आफ्टर रीअरेंजिंग सील मोहर लग जाना है, सील कर देना किसी चीज़ को, देन टॉप चोटी किसी भी पहाड़ी की, टॉप ऑफ द माउंटेन
ये पहाड़ी की चोटी, जब आप उसको रीअरेंज करते हैं तो बनता है पॉट यानी बर्तन। वेक जागना, बेदार होना, आफ्टर रीअरेंजिंग इट विल बिकम वीक कमज़ोर। देन रन दौड़ना, अन जो गुलदान होता है उसको कहते हैं। पार्ट हिस्सा, ट्रैप फंदा, वैसे ट्रैप जाल को भी कहते हैं। वार जंग, रॉ खाम माल जो होता है। टेबल्स मेज़ें, स्टेबल मुस्तहकम या स्टेबल, जैसे किसी की कंडीशन बहुत ख़राब हो तो जब वो बेहतर होती है तो हम कहते हैं स्टेबल है, यानी कि अब मेंटेन हो जाना, मुस्तहकम होना, एक ही तसलसल पे चलना। देन स्ट्रीम नदी, मास्टर मालिक, किसी भी चीज़ का जो मालिक होता है उसको मास्टर कहते हैं। शेप शक्ल, फेज मरहला। एक्ट्स का मतलब है आमाल, और कास्ट यानी फेंकना। देन एप्ट मुनासिब, टैप नलका। ऐश राख, जैसे ऐश ट्रे होती है तो उसमें सिगरेट जो स्मोकर्स होते हैं वो ऐश डालते हैं, तो ऐश राख को कहते हैं। हैज़ किसी भी चीज़ को, अगर कोई कहते हैं शी हैज़, यानी उसके पास ये चीज़ है, यानी कोई चीज़ रखना, मलकियत होना किसी चीज़ की। देन कार एंड दैट इज़ कार सिंपली। आँख कमान, वुल्फ भेड़िया, फाउल परिंदा। यहाँ तक आपने करना है, डैम से वुल्फ तक अपनी नीट कॉपीज़ पे लिखना है। मीनिंग्स नहीं लिखने आपने, सिर्फ वर्ड्स और उसके एनाग्राम्स लिखने।